मैं मोहम्मद शुएब को बुलाना चाहूंगी। मोहम्मद शुएब जो हॉस्पिटल गए थे और जिनको हॉस्पिटल का में 75वां नंबर था और इन्होंने अब ये बीमार रहते हैं काफी, ये अस्थमा पेशेंट और इनको ट्यूबरक्लोसिस भी थी काफी, 8 साल से ये बीमार है और रेगुलर इनका इलाज चलता है। उसी सिलसिले में ये गए थे और इनके साथ जो हुआ ये खुद अपने जुबान से बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, मैं उस दिन जो है सिविल हॉस्पिटल गया था दवा लेने के लिए और वहाँ से मैं लड़ाई होकर जो है हमारे जानने वाले थे वहाँ मिलने गया था, वहाँ से निकल के घर की ओर जो है अदरम चौराहा पार किया था, वहीं हमको जो है आके गिरफ्तार किया और मारा भी हम। फिर उसके बाद वहाँ से ले गए परवतन चौक से जो है वो जो है वहाँ मुझको मारा। ये मैंने कहा भी कि मैं दवा लेने गया था और मेरे साथ हमारे साहु भी थे पर्चे, हमने दवा उनके बाहर रखवा दी थी, वो बेचारे जो है उनके दाढ़ी नहीं थी, मेरे दाढ़ी बड़ी थी, अभी हमने जेल से आके थोड़ी छुट्टी करवाई है। लोग बहुत मारा था दाढ़ी नोट खोज के मारा और हाथ हमारा ये काला हो गया था, पाकिस्तानी हो और पता नहीं क्या क्या हो, कितनी गालियाँ दे रहे थे। जेल में भी हम लोग जा कुछ अच्छा बर्ताव नहीं है, सब लोग दंगाई वहाँ कहते हैं और हम लोगों से पूछा जाता था तुम लोग काहे में आए हो, कहते थे दंगाई आए हो ना, तो हम लोगों से बुलवाया जाता था दंगाई में। मैं अस्थमा का पेशेंट भी हूँ, काफ़ी टाइम से हमारा इलाज चल रहा है, मैंने बताया भी लेकिन उन लोगों ने कोई पहन नहीं किया। मैं अब जमानत पे रिहा हूँ, आसीमा ने हम लोग की रिहाई करवाई है और मैं सिलाई काम करता हूँ। पहले तो जिस तरह से स्टेट का रवैया था तो हम सारे एडवोकेट्स ये पहले सोच रहे थे, चूँकि जब इन लोगों की अरेस्टिंग हुई थी तब कोर्ट की छुट्टी चल रही थी और लगा था कि जब कोर्ट ओपन होगा तो शायद सेशन कोर्ट से ज़मानत ही नहीं मिले, लोअर कोर्ट से मिलनी नहीं थी कि 307 लगी हुई थी, सेशन कोर्ट से भी ज़मानत मिलने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि स्टेट का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो कि साफ तौर से दिख रहा था कि पुलिस जिस तरह से लोगों के घरों में घुस करके, यहाँ पे काफ़ी लोग नहीं हैं तो मैं खुद ही बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों के घरों में खदरा में घुस करके पुलिस ने सीढ़ी लगा करके उन्हें उठाया और उठा करके उनके बेडरूम से उठाया और उठा करके उन लोगों को लेके गई, कुछ लोगों को 24 तारीख को उनकी दुकानों से उठाया। तो जिस तरह का पुलिस का पूरा रवैया था और स्टेट का पूरा रवैया था उसको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इन लोगों की जमानत जो है वो सेशन कोर्ट से हो पाएगी। हम लोग हाईकोर्ट की साथ साथ तैयारी भी कर रहे थे और जब इन लोगों की जमानतें हुई हैं तो 50,000 की दो श्योरिटीज पे इन लोग सभी की जमानत हुई है और जो कि जिस समाज से जिस हाशिए के लोग हैं उनके लिए 50,000 की दो जमानतें देना इतना मुश्किल काम था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, मैं नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि मना किया गया है मुझे, तो बहुत सारे लोगों ने इन लोगों की मदद की जिसके बाद ये लोग जमानत पे छूट करके बाहर आ पाए हैं और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि बेल तो हो चुकी है लेकिन उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है क्योंकि उनकी जमानत की रकम कितनी ज़्यादा है। तो ये एक तरह से तो बेल भी हो रही थी लेकिन साथ साथ में ये बहुत मुश्किल दौर था कि है, इनफैक्ट अभी भी है कि जमानतदार को